आप देख रहे हैं अपना समाचार। आज इस फिल्म के मुहूर्त पे हम आए हैं और इस फिल्म में हम भी मदर के ही रोल में हैं, तो इस फिल्म के पूरी यूनिट को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और इस फिल्म के निर्माता हैं धर्मेंद्र कुमार और लाडला जी, और इस फिल्म के निर्देशक हैं कौशल शर्मा जी। तो ये वही लव स्टोरी के ऊपर है जैसे हीरो हिंदुस्तानी और दुल्हन पाकिस्तानी। तो जैसे कि समझ ही चुके हैं कि दुल्हन है पाकिस्तान के और हीरो जो हैं हिंदुस्तान के, तो लव स्टोरी के ऊपर है और ये बिहार में शूटिंग होनी है। तो पूरी यूनिट को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी और इस फिल्म के एक हिस्सा मैं भी हूँ, तो और भी खुशी हो रही है कि हमारे जितने भी कलाकार हैं और जितने टेक्नीशियन हैं और हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर, इन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, तो धन्यवाद भी करती हूँ इन लोगों को। दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि जैसे आप लोगों ने हमारी सारी फिल्मों को बहुत प्यार और सम्मान दिया है, तो ये फिल्म अपने आप में जैसे टाइटल के हिस्से से आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी अच्छी टाइटल है, तो ये फिल्म भी वैसे ही बनने वाली है। तो आप लोग आएँ और इस फिल्म को भी अपना प्यार दुलार दें, और हमारे हीरो जो आने वाले हैं तो इनको भी प्यार दीजिए, ताकि हमारे एक स्टार आने वाले हैं हमारे इंडस्ट्री में। यही कहना चाहूँगी की बात है कि आज सैटरडे को मैं अपनी फिल्म हीरो हिंदुस्तानी दुल्हनिया पाकिस्तानी का शुभ मुहूर्त किया हूँ, जिसमें इंदु जी आई थी और दो गाने, पहला गाना राखी गीत का जिसका लेखक मैं ही हूँ, गीत मैं ही लिखा हूँ, और म्यूजिक दिए हैं अशोक सिन्हा जी, और पंचम स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हुई है। बहुत अच्छा बहुत प्यारा सॉन्ग्स है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी दर्शक बंधुओं को बहुत पसंद आएगा। और साथ में एक इंटरटेनमेंट बिल्कुल रोमांटिक सॉन्ग एक इंदु जी भी गा के गई हैं, और साथ में हमारे हैं इंडस्ट्रीज की बहुत समझिए कि नामी हैं मैडम, हम कुछ क्या बोले हैं, बहुत वो लग रहा है, लेकिन फिर भी आज सौभाग्य मिला है आज मिलने का। और मेरे फिल्म में एज ए हीरो मदर के रोल में फाइनल किए हैं, कास्ट किए हैं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे काम करने का मौका मिलेगा। और आप सभी बंधुओं से यही निवेदन है कि इस फिल्म के देखिए, बन करके बहुत अच्छा बनेगा, कोशिश करूँगा ये बेहतर देने के लिए। और साथ में मैडम जी को भी धन्यवाद देता हूँ जो आज समय निकाल करके मेरे शो बोर्ड पर आए हैं। जी सर, इस फिल्म के स्टोरी के बारे में बात की जाए तो क्या है? स्टोरी काफ़ी मैसेज है इसमें, इमोशनल है, फैमिली इमोशनल स्टोरी है और कमर्शियल है। मुझे उम्मीद है भोजपुरी समाज से लेकर सभी दर्शक बंधुओं को ये स्टोरी और कहानी बहुत पसंद आएगी। कास्टिंग तो बहुत अच्छा है, अभी और कास्टिंग भी करेंगे मार्केट को लेकर के। और समझिए कि प्यार और हुआ है पाकिस्तान में और ब्याह हिंदुस्तान में हो रहा है। बिहार के पृष्ठभूमि जहानाबाद ज़िले के पृष्ठभूमि पर ये कहानी लिखी गई है, और कैसे किस मोड़ पे से गुजरते हुए हीरो जो है पहुंचता है ये अंदर की बात है, और फिर पाकिस्तान जा कर के किस प्रकार से उसकी लव होती है, कैसे क्या होता है, ये सारी इसमें पृष्ठभूमि पर लेकर के दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि जब आप थिएटर में जाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।